रात्रि कल रात्रि जो है 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था, उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए नहीं सर, 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है हम नहीं बता पाएंगे। इसमें इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? वो लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा था। अच्छा, उस सब का बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो ऐसे लगता था कि बाहर से कि जो है शटर लगा हुआ है, लेकिन रेलिंग के चलते दिखाई नहीं देता है कि जो है बंद है कि खुला है। क्या इसको लेकर कर्मचारियों या उसके जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा? बड़ी लापरवाही, 7 बजे बंद करवाने के बाद भी 11 बजे रात तक खोल के रखना। बड़ी पदाधिकारी के आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी वगैरह में देखी गई है क्या कुछ? सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण जो है अपराध कर्मी को पहचानने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन प्रयास जारी है, शीघ्र पकड़ा जाएगा। कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे, 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, एक कैशियर थे, एक हम थे और एक हब इंचार्ज है पुष्पेंद्र सरवर थे। तो 4 आदमी ऑफिस में थे, पहले 2 लड़का अंदर ऑफिस में गया और एक यहाँ गार्ड साहब जो थे वो पूछे कि क्या बात है, तो वो पीछे गया। फिर उसके बाद गार्ड साहब जब उसमें सटे तो पिस्टल निकाल करके गार्ड साहब में सटा दिया, एक गार्ड साहब को सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके बाद 2 फिर पीछे से आए, वो दोनों पीछे से आ करके एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया, और कैशियर रूम में जा करके कैशियर के साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर हम लोग को भी कैश रूम में लेके गया, वहाँ पर से सारा रुपया जो था, हथियार जो था 4 था, सबके हाथ में हथियार था। क्या चीज़ सहे हुए थे वो तो हम नहीं देखे, हम लोग अंदर फायरिंग नहीं किया है, लेकिन सब खोल खोल के दिखा रहा था, देख लो डर नहीं लग रहा है, सब में गोली लोड था। हम थे, पुष्पेंदु सर थे, एक गार्ड साहब है वो थे, एक कैशियर है तन्मय जी वो। रात तक खोले हुए थे, मतलब 7 बजे के बाद आदेश नहीं, हम लोग का ऑफिस बंद था, बस कैश का जो काम रहता है वो मिलाया जा रहा था, कैश जो दिन भर का कलेक्शन होता है वो मिलाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। क्या पोस्ट हुआ इसमें आपका? यहाँ पे शॉर्टर में